Welcome to UniSmart Tutorials. Today I am moving forward to exercise 1.3 of number system. आज मैं आपको 1.3 कराने जा रही हूँ और उससे पहले मैं आपको टू केसेस के बारे में बताऊंगी. फर्स्ट केस इज द रिमाइंडर बिकम जीरो. कुछ केसेस ऐसे होंगे डिविजन में जब हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाएगा. लाइक एक एग्जाम्पल अगर हम ले, दैट इज 1/2. अगर मैं इसे डिवाइड करूं, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 0. और यहाँ एक जीरो लग जाएगी डिविडेंड में, इट विल बिकम जीरो. तो ये हमारा इसका क्वेश्चन क्या आ रहा है, 0.5. सो जहाँ पे हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाता है उस कंडीशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग. वो कंडीशन हमारी कहलाती है टर्मिनेटिंग. लेकिन केस नंबर टू इज द रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो. जहाँ पे हमारा रिमाइंडर कभी जीरो हो ही नहीं सकता, उसका हम एक अगर एग्जाम्पल ले, लाइक 1/3. अगर मैं डिवाइड करूं इसे, 3 को 1 से डिवाइड करूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 0. और अंदर डिविडेंड में क्या आ जाएगा, 0. इसको अगर मैंने डिवाइड करा तो 3 3 9, यहाँ पे आ गया आपका 3, सो इट विल बिकम 1. फिर ये आगे ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3 3 3 इस तरीके से आ जाएगा. तो क्वेश्चन विल बी 0.3. इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं. सो दिस कंडीशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. इस कंडीशन को आप कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. सो दीज आर टू केसेस. क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म. हमें इन पार्ट्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. और हर टर्म का क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगा हमें वो भी बताना है. सो फर्स्ट पार्ट इज 36 डिवाइडेड बाय 100. अब हमें इसे डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, ये तो हम सिंपली कर सकते हैं. नीचे हमारे पास 2 जीरोज है, तो 36 में पॉइंट कंसीडर्ड यहाँ होगा, हम इसे 2 पर शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे. सो 1 2 पॉइंट हमारा यहाँ आ गया, सो इट विल बिकम 0.36. इसे हम आगे फॉरवर्ड डिवाइड नहीं कर सकते, सो दिस कंडीशन इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है हमारा, जीरो. रिमाइंडर इज जीरो, सो ये कंडीशन हो गई हमारी टर्मिनेटिंग की. सेकेंड पार्ट इज हमें डिवाइड करना है 1/11. अब इसको करने के लिए हम डिवाइड करते हैं लाइक दिस. अब आप लिखोगे 0. और आपने अंदर क्या लगा दिया, एक जीरो डिविडेंड में. फिर अब ये इससे छोटा नंबर है, डिविडेंड इज स्मॉलर देन डिवाइजर, तो अब हमें क्या करना होगा, 1 0 और एड लगानी पड़ेगी. तो मैंने एक जीरो और डाली इसमें, तो क्या हो जाएगा, 100 से छोटा 11 की टेबल में क्या आता है, 99. तो हमने इसे माइनस करा, 1 बचा हमारे पास, और क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 9. तो हमें फिर से एक जीरो अप्लाई करनी पड़ेगी और फिर हमें एक और जीरो अप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने वहां पे भी क्वेश्चन में भी एक जीरो लगा दी है. अब 100 से छोटा फिर से क्या हो गया, 99. फिर आपके पास 1 बचा और क्वेश्चन में आ गया 9. और फिर से हम जीरो लगा रहे हैं और अब हमें एक और जीरो ऐड करनी पड़ेगी, तो हम ऊपर भी लगा देंगे, तो यहाँ पे फिर क्या आ गया, 99. तो ये प्रोसीजर आपका चलता ही जा रहा है क्योंकि रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं हो रहा. तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, 0.09. और 09 रिपीट कर रहा है हमारा बार बार, तो हम इस पर लगा देंगे बार. सो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. सो ये हमारी कंडीशन हो गई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की, जहां पे रिमाइंडर इज नॉट जीरो, रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं है. टू इज यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 bar. कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर. हमें 1/7 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने डिवाइड करा तो हमारे पास क्वेश्चन ये आता है. लेकिन हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि क्या डेसिमल एक्सपेंशन होंगी अगर हम 2/7 करें, 3/7 करें, टिल 6/7 तक हम करें, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी. लेकिन हमें वह लॉन्ग डिविजन नहीं करना,
हमें इसकी हेल्प से इसे सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे? अगर मुझे वो 2/7 फाइंड आउट करना है, तो 2/7 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2 × 1/7, और 1/7 की वैल्यू मेरे पास ये है, तो मैं इसकी जगह 1/7 की जगह क्या लिख दूंगी, 0.142857 बार। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, 2 × 0.142857 होल बार इज इक्वल्स टू, अब हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, सो 2 × 7 = 14, 4 × 1 = 10, 11 × 1 = 1, 2 × 8 = 16, 17 × 1 = 2, 2 = 4, 5 × 4 = 8, 2 × 1 = 2.0। सो ये वैल्यू मेरी कुछ इस तरीके से आ रही है। अब मैं क्या निकालूंगी, 3/7। सो अब 3/7 को किस तरीके से लिख सकते हो, 3 × 1/7, और 1/7 की जगह हम वैल्यू अपनी ये वाली डाल देंगे। सो अब इसे किस तरीके से कर सकते हैं, 3 × 0.142857 होल बार। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 × 7 = 21, सो 1 × 2 = 3, 5 × 15, 17 × 1 = 3, 8 × 24, it will become 25, 2 × 3, 2 × 6, it will become 8, 3 × 4 = 12, 2 × 1 = 3, 1 × 3, it will become 4.300. इस पे आ जाएगा हमारा बार। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4/7 की। सो 4/7 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 × 1/7, सो इट विल बिकम 4 × 1/7 की वैल्यू हमारे पास है, सो हम लिख देंगे 0.142857 होल बार। अब हम इसे क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे हमने ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर रहे हैं पार्ट्स, इसमें भी वही करना है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 4 विद दिस, सो 4 × 7 इट विल बिकम 28, 2 × 4, 5 × 20, it will become 22, 2 × 4, 8 × 32, 32 + 2 = 34, 4 × 3 = 4, 2 × 8, 8 + 3 = 11, 1 × 1 = 4, 4 × 16, 16 + 1 = 17, 7 × 1 = 4, 1 × 4, 4 + 1 = 5, 5.400. सो इस पर हम लगा देंगे बार। अब हमें ऐसे 5/7 में निकालना है, सो 5/7 हमारा कैसे लिखा जाएगा, 5 × 1/7। अब हम इसे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.142857 बार से, 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 5, 5 × 5 = 25, 25 + 3 = 28, 2 × 5, 8 × 40, 40 + 2, it will become 42, 4 × 5, 2 × 10, it will become 14, 4 × 1 = 5, 4 × 20, 20 + 1 = 21, 2 × 5, 5 × 5, 5 + 2, it will become 7.500. सो इसको हम लगा देंगे बार। सो आई होप 6/7 अब आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि वो इसी तरीके से है। इस पार्ट में हमें ये पता चल गया कि यस वी कैन फाइंड आउट डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिविजन मेथड। थ्री इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। हमें इसे पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है। सो फर्स्ट पार्ट इज 0.6 बार। सो पहले मैंने 0.6 बार को x लेट कर लिया, 0.6 बार। अब इसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0.666, क्योंकि हमारी कौन सी कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की, इसलिए मैंने इसे 0.666 सो ऑन लिख दिया। अब हम इसमें यहाँ एक ट्रिक अप्लाई करेंगे, हेयर द ट्रिक कम्स। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर आपका एक डिजिट के ऊपर बार है तो आप 10 दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे। अगर हमारे पास सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है, अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार होता है तो हम
1000 से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड पे। अगर मेरा टू डिजिट्स पे बार होता तो मैं क्या करती, 100 मल्टीप्लाई करती दोनों साइड्स पे। लेकिन यह बार है सिर्फ सिंगल डिजिट पे, तो हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे। तो आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स, 10 आपने मल्टीप्लाई करना है। सो इट विल बिकम 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 0.666 बार। ठीक है, अब आप 10 इंटू एक्स इज 10x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारा एक इस साइड शिफ्ट हो जाएगा और द राइट साइड, सो इट विल बिकम 6.666 इस तरीके से आएगा। अब मैं इसे ब्रेक कर सकती हूँ, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6 प्लस 0.666, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। और 0.666 ऑन हमारे किसके इक्वल था, x के इक्वल, तो अब हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, सीधा x। सो 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस x, x इधर प्लस में है, दूसरी साइड जब शिफ्ट होगा माइनस में हो जाएगा, सो इट विल बिकम 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, सो 10x माइनस x इज 9x। तो आप इसे लिख देंगे 9x इज इक्वल्स टू 6। अब x के साथ इधर 9 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो 6 डिवाइडेड बाय 9। अब ये 3 की टेबल में दोनों आते हैं 6 एंड 9, तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, सो द वैल्यू ऑफ x इज 2 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हमारी पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया है। फॉरवर्ड टू सेकेंड पार्ट, दैट इज 0.47 बार। अब हमारा बार है 7 के ऊपर, सो हमारी रिपीटिंग डिजिट कौन सी है, 7। सो वी विल राइट लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार। अब हमने इसे x के इक्वल कर दिया, तो हम इसे अब कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.4777 डॉटर, मतलब सो ऑन। ये आपकी रिपीटिंग डिजिट है 7। अब यहाँ पे हमारी एक ही डिजिट पे बार था, तो हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे। तो अब लिखोगे मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स, अब हमने क्या कर दिया, 10 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया, सो 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 0.4777। अब हमने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स पे, सो इट विल बिकम 10x, और यहाँ पे पॉइंट एक राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बिकम 4.777। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको मान लेना है इक्वेशन 1 और इसे मान लेना है इक्वेशन 2। अब हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है 1 को 2 में से, सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो हमें से 2 में से माइनस कर देना है, सो 10x माइनस x आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आएगा 4.777 माइनस 0.477, सो 10x माइनस x इज 9x, और 4.7 माइनस 0.4 एक तरीके से ये हो जाएगा हमारा 4.3। सो x के साथ 9 तो मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल बिकम x इक्वल टू 4.3 डिवाइडेड बाय 9, पॉइंट इट आया नीचे आ गया 10, सो x इज इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाय 90। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वेयर p एंड q हमारे इंटीजर्स हैं और q हमारा नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3 टिल क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चंस दैट आई हैव लेफ्ट इन दिस एक्सरसाइज, I hope you can do it by yourself, and if there is any doubt, do comment in my comment box. And second part of this exercise of remaining questions will be uploaded soon. So do like, comment and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon.